IoT, फ्यूचर में IoT टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है, क्योंकि हम सबको फास्ट और ऑटोमाइजेशन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। तो IoT टेक्नोलॉजी जितनी उपयोगी है उतनी खतरनाक भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे IoT के एडवांटेजेस के बारे में और IoT के डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ IoT टेक्नोलॉजी, इजी एक्सेस। हम किसी भी जगह और किसी भी समय पर डेटा और जानकारी पा सकते हैं। तो ऐसा स्मार्ट डिवाइसेस और इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण संभव होता है। कम्युनिकेशन, IoT टेक्नोलॉजी में IoT डिवाइसेस आपस में ही कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे डिवाइसेस के मध्य का कनेक्शन ट्रांसपेरेंट रहता है और इससे रिजल्ट की क्वालिटी अच्छी रहती है। स्पीड, IoT डिवाइसेस बहुत ही फास्ट में एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करते हैं, इससे किसी भी टास्क को बहुत ही फास्ट में पूरा किया जाता है। ऑटोमाइजेशन, हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम ऑटोमेटिक हो जाए, तो ऐसा IoT टेक्नोलॉजी में संभव है और आने वाला समय ऑटोमाइजेशन का ही है, तो IoT टेक्नोलॉजी में बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन से काम होगा। बिजनेस में टास्क स्वचालित होने पर सर्विसेज बढ़ेगी और इंसानों का इंटरेक्शन कम होगा। कॉस्ट रिडक्शन, बिजनेस में IoT टेक्नोलॉजी का यूज करने के कारण कॉस्ट में कमी ला सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट और प्रोडक्ट के मेंटेनेंस के लिए IoT सेंसर्स का यूज होता है, इससे उपकरण को मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, इससे कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। सेव टाइम, IoT डिवाइसेस बहुत ही फास्ट काम करता है, जिससे समय की बचत होगी। मॉनिटरिंग, घर में हवा की मात्रा को मॉनिटर करना, टेम्परेचर मॉनिटर करना और कई प्रकार के डिवाइसेस को आप मॉनिटर कर सकते हैं। वहीं IoT टेक्नोलॉजी से डेटा को एकत्रित कर सकते हैं, इससे बिजनेस में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। हम अपने काम भूलेंगे नहीं, हम सबका लिविंग स्टैंडर्ड लग्जरियस हो जाएगा, एनर्जी मैनेजमेंट इफिशियंसी बढ़ जाएगी, लाइफ में बहुत कुछ प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी होगा। Disadvantages of IoT टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। IoT टेक्नोलॉजी का मेन डिसएडवांटेज सिक्योरिटी है, क्योंकि इसमें सभी डिवाइसेस इंटरनेट से जोड़े जाते हैं और इन डिवाइसेस को हैक किया जा सकता है, यूजर की प्राइवेसी का भी रिस्क होता है। हैकर यूजर की इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं और यूजर के बैंक अकाउंट भी हैक कर सकते हैं और पैसा चुरा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, IoT टेक्नोलॉजी को डिजाइन करना, विकसित करना और मेंटेन करना बहुत ही कठिन है। सेफ्टी, तो सेफ्टी को हम एग्जांपल से समझते हैं। IoT का यूज आप हेल्थ के लिए करते हो तो आपके दवाइयों को चेंज कर सकता है और वहीं रॉन्ग दवाइयों का सेवन करने के कारण आपके हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। IoT जितना उपयोगी है उतना खतरनाक भी साबित हो सकता है। कंपेटिबिलिटी, एक से ज्यादा कंपनियों में बनाए गए IoT डिवाइसेस में कई प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं, तो ऐसे डिफरेंट IoT डिवाइसेस आपस में कंपेटिबल नहीं होते हैं। डिपेंडेंसी, IoT इज मेनली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट कनेक्शन। यदि आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपके कोई भी टास्क पूरे नहीं होंगे। IoT टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बहुत ही ज्यादा हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग तक सब घर पर बैठे हो रहा है, मोबाइल से ही हम सभी काम करते हैं, जिससे इस पर हमारी निर्भरता बढ़ गई है। बच्चे IoT टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो चुके होंगे, जो बहुत ही खतरनाक है। शारीरिक गतिविधियां बहुत ही कम होगी, जिससे स्वास्थ्य खराब होंगे। जॉब की कमी, सब कुछ ऑटोमाइजेशन के कारण इंसान जॉबलेस हो सकता है। तो ये थे IoT के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।